एक बड़ी खबर पब्लिश हुई है आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर। मैं बताऊंगी अपने खास प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में, क्योंकि अगले साल जो 2019 का महासंग्राम होने वाला है, हर किसी के जहन में एक सवाल है कि क्या बीजेपी दोबारा सरकार बना पाएगी, क्या नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्या जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो उस फैसलों को दरकिनार करते हुए जनता जो है उनके साथ जाएगी, क्या मोदी लहर बरकरार है, क्या अब की बार फिर से मोदी सरकार, यानी साल 2019 की बात कर रही हूँ, फिर से मोदी सरकार होगी देश की सत्ता में। बहुत से अनगिनत सवाल हैं। क्या महागठबंधन सरकार को बीजेपी को हरा पाएगा, क्या राहुल गांधी अपने आप को साबित कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, दारोमदार बहुत ज़बरदस्त है राहुल गांधी पे, कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, ऐसे में उम्मीद की जाती है कि साल 2019 में जो कांग्रेस की नैया इस वक्त 2014 से ही डावाडोल दिख रही है, कांग्रेस मुक्त हो रही है भारत, क्या वाकई अगले साल बीजेपी मुक्त कर पाएंगे राहुल गांधी, अनगिनत सवाल हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि क्या नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में अगले साल की तैयारी अभी से होनी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी कौन सा दाव खेलती है, महागठबंधन सामने अगर आता है तो क्या प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी का ही नाम सामने आएगा या फिर कोई तीसरा नाम भी सामने आ सकता है, बीजेपी की क्या रणनीति होगी अगर महागठबंधन बनता है उसको भेदने के लिए, बहुत से सवाल हैं। और ऐसे में एक सर्वे सामने आया है दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर, और जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, यानी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, और जनता जनार्दन है और उन्हें मोदी सरकार के फैसले से कोई भी किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, वो मोदी सरकार के साथ जाना चाहेंगे, वो बीजेपी सरकार के साथ जाना चाहेंगे, वो वोट या मोदी को करेंगे भाजपा को करेंगे। जी हाँ, 80% लोगों ने कहा है दुष्कर्मियों को फांसी अच्छा फैसला, वही 54% लोगों ने महंगाई बढ़ने नौकरियां ना मिलने से निराशा व्यक्त की है। दुष्कर्मियों को लेकर जो अध्यादेश पास किया गया है, 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर बलात्कार होता है तो आरोपियों को सजाए मौत दी जाएगी, इस पर मोदी सरकार की वाहवाही की है जनता ने। लेकिन जो महंगाई और रोजगार का जिक्र इसलिए किया जा सकता है, इसलिए करना भी चाहिए, क्योंकि साल 2014 में डंके की चोट पर पीएम मोदी ने करोड़ों नौकरियों देने का वादा किया था, लेकिन उसमें से शायद कुछ परसेंटेज भी फुलफिल नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में क्या मोदी सरकार भी प्रतिबद्धता जो जता रही है उसमें वो खरी उतर पा रही है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। आखिर मोदी सरकार ऐसा नहीं है, 5 साल अगर मोदी सरकार के पास है तो मोदी सरकार पूरा जितनी भी कमियां हैं उसको 5 साल में दूर कर पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ तो करना चाहिए। और रोजगार तो बहुत अहम मुद्दा है। पकौड़े बेचने वाला बयान तो आपको पता ही होगा कि पकौड़े बेचने वाले बयान से किस तरह से पीएम मोदी गिर गए थे। चलिए बात करते हैं दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की, देख सकते हैं 80% लोगों ने कहा कि दुष्कर्मियों को फांसी अच्छा फैसला, वहीं 54% लोगों ने कहा महंगाई बढ़ने नौकरियां ना मिलने से निराश, और मोदी कितने लोकप्रिय हैं 47% के अनुसार वो 2014 से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और 30% लोग मानते हैं लोकप्रियता घटी है और राहुल मोदी को टक्कर दे सकते हैं, और 52% के अनुसार राहुल परिपक्व हैं, इनमें 22% ही मानते हैं कि वो टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए पूरा बकायदा फ्रंट पेज पे देखिए पूरा छपा हुआ सर्वे है कि किस तरीके से देश के भविष्य से जुड़े 5 सबसे अहम सवाल हैं। 62% बोले हैं कि मोदी सरकार जो है वो अगले साल सत्ता में आएगी, 23% ने कहा गठबंधन से सरकार बनेगी, और क्या विपक्ष 2019 के चुनाव में एकजुट होकर मोदी को हरा पाएगा, 53% ने कहा है नहीं हरा पाएगा, 24% ने कहा है विपक्ष एक खो ही नहीं पाएगा, और 23% ने कहा है कि विपक्ष एकजुट होकर मोदी को हरा सकता है, और 23% लोग मानते हैं कि मोदी साल 2014 की तुलना में आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं, 47% का कहना है कि प्रधानमंत्री पहले से ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, 23% लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी आज पहले जितनी ही लोकप्रिय हैं, और 30% ने कहा है कि मोदी की लोकप्रियता 2014 की तुलना में घटी है, ये कहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो ये और क्या राहुल गांधी अब मोदी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, 48% लोगों ने कहा है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी मोदी के सामने टिक नहीं सकते हैं, 48% ने कहा, 30% लोगों ने कहा कि वो मैच्योर तो है, परिपक्व है, लेकिन मोदी को टक्कर नहीं दे सकते हैं, और 22% लोगों ने कहा है कि राहुल परिपक्व हैं, मोदी को टक्कर दे सकते हैं। ये बकायदा ये देखिए आप पेज बकायदा सर्वे पब्लिश हुआ है दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर।
हम आपको पूरे सर्वे की जानकारी मैं अपने अपने प्रोग्राम में दूंगी। फिलहाल अखबारों की सुर्खियों में मैंने आपको जो मेन डेस्क की जो खबर है वो बता दी है कि अगले साल नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे सर्वे के अनुसार। अब बात करते हैं कर्नाटक में चल रहे नाटक की, इसलिए मैं एनमिटी का रुख करूंगी। एनमिटी में कल येदियुरप्पा ने 9 बजे सुबह 9 बजे और कल रात भर, मतलब अगर बीती रात की बात करूँ 17 मई की सुबह 9 बजे येदियुरप्पा ने शपथ ले ली और सुबह यानी सुबह तड़के सुबह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि येदियुरप्पा की शपथ ग्रहण समारोह को नहीं रोका जा सकता है, यानी कि येदियुरप्पा शपथ लेंगे। लेकिन सिर्फ येदियुरप्पा ने शपथ ली है, मंत्रिमंडल में अभी मंत्रिमंडल नहीं बना है, ना ही किसी विधायक ने शपथ ली है। 15 दिन का समय मिला है राज्यपाल वाजुभाई वाला से और ऐसे में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई है। लेकिन खरीद फरोख्त का मसला देखा जा रहा है, कर्नाटक में 4 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। जेडीएस आरोप लगा रही है और कल हमने देखा था बकायदा कि बसों में भर के अपने विधायकों को लेकर जा रहे थे। सोचिए किस तरह का नाटक इस वक्त घटनाक्रम जो है वो कर्नाटक में सामने आ रहा है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सरकार बनेगी किसकी। लेकिन अगर गोवा और मेघालय का रुख किया जाए तो भाई यहाँ पे बीजेपी ने तो तानाशाही दिखाई है। कर्नाटक में कह रही है बड़ी पार्टी है, तो गोवा में तो भी कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो फिर उसे क्यों नहीं सरकार बनाने दिया। यानी यहाँ पे अमित शाह बीजेपी की क्या घूमे कि वो जो चाहते हैं वो अपने अनुसार करते हैं, अपने अनुसार सारी चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कानून के अनुसार ये सरासर गलत है, और गलत है तो गलत है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि येदियुरप्पा जो इतनी शान से कल शपथ उन्होंने ली थी, क्या उतनी शान से वो बरकरार रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में रात भर सुनवाई में भी रोक नहीं लगी, कर्नाटक में बनी बीजेपी की सरकार, आज कोर्ट घटा सकता है बहुमत साबित करने का समय। संविधान पर जबरदस्त हमला हो रहा है, हर किसी को दबाया और धमकाया जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में होता है पर लोकतांत्रिक देश में पहली बार हुआ है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा वो सुनिए। अब परिवारवाद की राजनीति का अंत हो गया है, अब मेहनत करने वालों की ही जीत हो रही है। बीजेपी के लिए परिवार नहीं बल्कि राष्ट्रधर्म है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रधर्म कह रहे हैं, वाह सोचने वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की कर्नाटक कर, ये देखिए सरकार गठन पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गोवा मेघालय मणिपुर में दावा ठोकेगी कांग्रेस, बहुमत साबित करने का 100% भरोसा, येदियुरप्पा एक दिन के मुख्यमंत्री होंगे, एक दिन के मुख्यमंत्री साबित होंगे कौन, येदियुरप्पा ये कहा है रणदीप सुरजेवाला ने। ये पूरा कर्नाटक का रण दे सकते हैं, पेज नंबर 2 पे फ्रंट पेज पे खबर है। ये देखिए घाटी में बड़ा हमला कर सकते हैं आतंकी, खबर सामने आई है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल 4 रुपए महंगा होने के आसार है, फरीदाबाद में दिल्ली की युवती के साथ गैंगरेप हुआ है और चिली में 10 घंटे तो फिनलैंड में 22 घंटे का रोजा, जी हां कल से रोजा शुरू हो गया है। और हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं रमजान की बधाई देती हूँ, रमजान और इसके साथ ही अब बात करती हूँ रमजान मुबारक में कहूँगी, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। और अब बात करते हैं बिजनेस की, यानी भास्कर हिंदुस्तान के बिजनेस कॉलम में बैंकिंग क्षेत्र को पटरी पर लेकर आएंगे, कहना है रेल मंत्री पीयूष गोयल, जिनके पास अभी अतिरिक्त प्रभार है वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं क्योंकि अरुण जेटली की तबीयत अभी थोड़ी सी नासाज है। और ये देखिए इसके अलावा आलू टमाटर सस्ता है, चावल महंगा हो गया है, ये ग्राफ देख सकते हैं आप यहाँ पर महंगाई मीटर। और ATF को GST में लाने की कोशिश है, भारत की वृद्धि दर 7.6% होगी ये कहा है संयुक्त राष्ट्र ने, और आधार की वेबसाइट से फर्जीवाड़ा पता चलेगा, ये खबर है बिजनेस पे। अब बात करते हैं खेल जगत की, लेकिन इससे पहले बात करते हैं NBT के एडिटोरियल पेज की। मैटरनिटी लीव पर दोहरा रवैया, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और मातृत्व अवकाश देने के डर से कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बच रही है, और विधेयक पर विवाद, कर्नाटक को लेकर आर्टिकल पब्लिश हुआ है एनडीबीटी के एडिटोरियल पेज पे आप देख सकते हैं। बच्चों को लेकर एक आप पढ़ सकते हैं, होमवर्क का बोझ किस तरह से बच्चों पर पड़ता जा रहा है, होमवर्क का ही क्या बैग भी बहुत भारी होते जा रहे हैं बच्चों के। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स, चेन्नई को सुपर टारगेट वर्सेस दिल्ली की आन की लड़ाई, ABD अली पड़े भारी, अहम मुकाबले में चमका बैंगलोर का मिडिल ऑर्डर हैदराबाद पर। इसके अलावा T20 में टकराएंगे ट्रेल ब्लेजर्स और सुपर नोवास, जर्सी बदलकर जीत लिया बदला और एटलेटिको को यूरोपा कप, क्रॉस कोर्ट क्रिकेट से उछाल फेंकने की जरूरत क्या है, इस परंपरा को खत्म करने
करने की के सवाल पर आईसीसी की कमेटी करेगी चर्चा। ये है स्पोर्ट्स की बड़ी खबर। और चलते हैं देश विदेश की तरफ। नवाज शरीफ ने कहा है हमारा देश आतंकवादी है और फौज इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये देख सकते हैं कबूलनामे के बाद पाक में 26/11 हमले की सुनवाई फिर शुरू हुई है और पाकिस्तान में फौज और सिविल सरकार के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 26/11 के मुंबई हमले में पाक की भूमिका स्वीकारने का पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता मखदूम जावेद हाशमी पर इस पर सहमति जताते हुए अपने मुल्क में फौज की साजिश का खुलासा किया है। इसके अलावा बात करते हैं अब वाराणसी में हुए हादसे को लेकर। फ्लाईओवर हादसे की गाज यूपी सेतु निगम के आमदी हटाए गए हैं। वाराणसी में हादसा हो गया था, फ्लाईओवर गिर गया था, दो बीम होता है बीम गिर गया था, इसके नीचे जो वहाँ पे लोग जा रहे थे उनकी कारें दब गई थी, 18 लोगों की जान चली गई। इसके बाद योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए जिन्होंने जिम्मेदारी से काम नहीं किया उन पर गाज गिराई। और इसके अलावा बात करते हैं रमजान के पहले दिन पाक में तोड़ा सीज फायर, जवान समेत दो घायल हो गए हैं। ये खबर है देश विदेश के पेज पे। अब बात करते हैं दैनिक भास्कर की। बिजनेस का ही जिक्र करना चाहूंगी। वर्क फोर्स और कमाई के बढ़ने से भारत में सोने की मांग तेजी से बढ़ेगी, ये बिजनेस से बड़ी खबर है। इसके अलावा एक आर्टिकल अगर यूथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बिजनेस के कॉलम में पब्लिश हुआ है। नाम है इनका राजीव कुमार उपाध्यक्ष नीति आयोग के। इन्होंने कहा है युवाओं की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उन्हें अच्छे जॉब चाहिए और बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर बनने में रुचि नहीं है, जहां हूं अच्छा हूं, ये कहना है रघुराम राजन का। और महिलाओं के शॉपिंग अनुभव को यादगार बनाएगी सेल्स वन रोबोट गिसेला। देश विदेश दैनिक भास्कर का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस विधायक केरल या पंजाब और जेडीएस विधायक हैदराबाद या विजयवाड़ा जीत सकते हैं। कांग्रेस जेडीएस अपने विधायकों के लिए सुरक्षित रिजॉर्ट खोज रहे हैं। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की छठवीं जीत, प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार। बेंगलुरु ने 6 विकेट पे 218, हैदराबाद ने 3 विकेट पे 204 और 20 ओवर। तो दर्शकों आज के अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।